بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear student, Assalamu alaikum. I am Jamil Aman Sarmo, your biology teacher. Today we will study another topic of second chapter of first year biology, that is the RNA is the carrier of information. अॼोकी टॉपिक असांजे आहे त आर एन ए इंफॉर्मेशन जो केरियर आहे. अॻु में असां पढ़ी चुका आहियूं त जेनेटिक इंफॉर्मेशन जेका हूंदी आहे उहो कोड्स जे शकिल में डी एन ए में हूंदी आहे. डी एन ए जी इंफॉर्मेशन खे हिकु जॻह खां ॿी जॻह ताईं मुंतकिल केर कराईंदा आहिनि? आर एन ए जा मालिक्यूल कराईंदा आहिनि. त हाणे उहो कहिड़ो प्रोसेस आहे जंहिंमें आर एन ए केरियर ऑफ इंफॉर्मेशन जो कमु कंदी आहे? उन प्रोसेस खे चइबो आहे प्रोटीन सेंथेसिस आर जीन एक्सप्रेशन. प्रोटीन सेंथेसिस या जीन एक्सप्रेशन जा ॿ स्टेप थींदा आहिनि, जंहिंमां पहिरियों स्टेप आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं ट्रांसक्रिप्शन, ऐं ॿियो स्टेप आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं असां ट्रांसलेशन. त ट्रांसक्रिप्शन वारो स्टेप कंप्लीट थींदो आहे सेल जे हिसे में जेके न्यूक्लियस चइबो आहे, ऐं ट्रांसलेशन सेकंड स्टेप आहे जेको ट्रांसक्रिप्शन खां बाद में कंप्लीट थींदो आहे कहिड़ी जॻह ते, साइटोप्लाज़म में. हाणे एक्चुअली प्रोटीन खे ठाहिणु इहो कमु हूंदो आहे राइबोसोम जो. राइबोसोम खे चवंदा आहिनि साइटोप्लाज़म में. त प्रोटीन किथे ठहंदियूं? साइटोप्लाज़म में ठहंदियूं. हाणे राइबोसोम कहिड़ी प्रोटीन ठाहे? राइबोसोम के डायरेक्ट डीएनए कंदी आहे. डीएनए पाण किथे आहे? न्यूक्लियस में. त डीएनए न्यूक्लियस में रही करे साइटोप्लाज़म में मौजूद राइबोसोम के डायरेक्ट कीअं कंदी आहे? त डीएनए पंहिंजा हिकिड़ा मैसेंजर मालिक्यूल ठाहींदी आहे जिनखे एमआरएनए जा मालिक्यूल चवंदा आहियूं. त ट्रांसक्रिप्शन उहो स्टेप आहे जेको न्यूक्लियस में थींदो आहे. इन में डीएनए जी कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए ठहंदी आहे एमआरएनए, ऐं एमआरएनए जे ठाहिण में एंजाइम हेल्प कंदो आहे जंहिंखे चइबो आहे आरएनए पॉलीमरेज़. हाणे यादि रखो त हीअ डीएनए जे मदद सां या उनजी जेका ट्रांसक्रिप्ट आहे उहा एमआरएनए ठही आहे जेका उनजो पैगाम खणी थी अचे. त कुझु कैंडिडेट खे मिसकनसेप्शन थींदी आहे त शायदि डीएनए मां एमआरएनए ठही आहे. हीउ को रिएक्शन न आहे, त खॿे पासे खां रिएक्टेंट सॼे पासे खां जेका प्रोडक्ट लिखियलु आहे, पर हीअ हिकिड़ी रिप्रेज़ेंटेशन आहे. रिप्रेज़ेंटेशन छा जी आहे? ट्रांसक्रिप्शन जी आहे. कहिड़ी रिप्रेज़ेंटेशन आहे? त डीएनए जी जेका इंफॉर्मेशन आहे उहा कापी थी थिए पई. कंहिंमें कापी थी थिए? एमआरएनए में. यानी डीएनए जी कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए तयार थी थी कहिड़े एंजाइम जे भरिसां? आरएनए पॉलीमरेज़. पर इते रिएक्टेंट कहिड़ा हूंदा जेके एमआरएनए खे ठाहिनि? एमआरएनए खे ठाहिण जे लाइ रिएक्टेंट हूंदा आहिनि राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड मिली करे एमआरएनए ठाहींदा. हाणे राइबोन्यूक्लियोटाइड एमआरएनए खे ठाहिण जे लाइ घणा हुजनि, कहिड़ा हुजनि, तरतीब कहिड़ी हुजे, उहा इंफॉर्मेशन कंहिंमें आहे? डीएनए में. त डीएनए जे इंफॉर्मेशन जे मुताबिक़ राइबोन्यूक्लियोटाइड मिली करे छा ठाहींदा? एमआरएनए. कंहिंजे मौजूदगीअ में? आरएनए पॉलीमरेज़ जी मौजूदगीअ में. पोइ इहा एमआरएनए न्यूक्लियर पोर जे वसीले न्यूक्लियस मां निकिरी किथे ईंदी? साइटोप्लाज़म में. जीअं साइटोप्लाज़म में ईंदी आहे त केतिरा ई राइबोसोम अटैच थी पवंदा आहिनि एमआरएनए सां. जॾहिं हिकु एमआरएनए सां केतिरा ई राइबोसोम अटैच थियनि, हिनखे पॉलीसोम चइबो आहे. पॉलीसोम जे ठहण खां पोइ छा थींदो आहे? त टीआरएनए जेका आहे उहा साइटोसोल में जेके डिस्पर्स्ड फ्री अमाइनो एसिड हूंदा आहिनि उन्हनि खे खणी ईंदी आहे ऐं तरतीब सां रखंदी आहे. उन तरतीब सां जहिड़ो कमांड मौजूदु हूंदो आहे कंहिंमें? एमआरएनए में. त एमआरएनए जे पैगाम जे मुताबिक़ अमाइनो एसिड खे तरतीब सां रखी पॉलीपेप्टाइड ठाहिण में हेल्प करणु कंहिंजो कमु आहे? टीआरएनए जो. ऐं उहे अमाइनो एसिड किथे मिली करे पॉलीपेप्टाइड ठहींदा? अमाइनो एसिड जे मिलण जे लाइ सरफेस एरिया प्रोवाइड कंदी आहे आरआरएनए जेका राइबोसोम में हूंदी आहे. त सरफेस एरिया अमाइनो एसिड जी असेंबली जे लाइ केरु ॾींदो आहे? आरआरएनए. अमाइनो एसिड खे तरतीब सां केरु रखंदो आहे? टीआरएनए. ऐं अमाइनो एसिड जो तादादु ऐं तरतीब कीअं हुजे उहो पैगाम कंहिंमें हूंदो आहे? एमआरएनए में हूंदो आहे. त हीअ बि हिकिड़ी रिप्रेज़ेंटेशन आहे कंहिंजी? ट्रांसलेशन जी. रिएक्शन न आहे. रिएक्शन इहो हूंदो आहे त अमाइनो एसिड मिली छा ठाहींदा आहिनि? पॉलीपेप्टाइड. त पॉलीपेप्टाइड जी फॉर्मेशन कंहिं मां थींदी आहे? अमाइनो एसिड मां. पर पॉलीपेप्टाइड जे लाइ अमाइनो एसिड घणा हुजनि ऐं तरतीब कहिड़ी हुजे उहो पैगाम कंहिंमें आहे? एमआरएनए में. ऐं अमाइनो एसिड खे खणी तरतीब सां रखणु कंहिंजो कमु आहे? टीआरएनए जो. ऐं अमाइनो एसिड मिली पॉलीपेप्टाइड ठाहींदा कंहिंजे सरफेस ते? आरआरएनए जे सरफेस ते. त इहा असांजी टॉपिक हुई आरएनए द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन. इन खां पोइ असां चैप्टर नंबर 2 जी लास्ट टॉपिक पढ़ंदासीं, दैट इज कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स. हाणे ज़हन नशीन कयो त हिकु कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल कॾहिं ठहंदो आहे? जॾहिं ॿ बायो मालिक्यूल पाण में मिलनि पर उनजी नेचर या कैटेगरी डिफरेंट हुजे, सेम नेचर जा मालिक्यूल न हुजनि. यानी प्रोटीन प्रोटीन सां कंबाइन न थिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सां कंबाइन न थिए. अगरि हिकु मालिक्यूल प्रोटीन जो आहे त ॿियो लिपिड जो हुजे, अगरि हिकु मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट जो आहे त ॿियो लिपिड जो हुजे, हिकु मालिक्यूल न्यूक्लिक एसिड जो आहे त ॿियो प्रोटीन जो हुजे. यानी ॿ बायो मालिक्यूल जेके डिफरेंट कैटेगरी या नेचर जा हुजनि उहे पाण में मिलंदा आहिनि त छा ठहंदो आहे? कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल. त असां हिनखे डिफाइन कयो आहे, वेन टू बायो मालिक्यूल ऑफ डिफरेंट नेचर कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मालिक्यूल कॉल्ड कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन ऐं लिपिड मिलिया त लिपो प्रोटीन ठही पियो, प्रोटीन ऐं कार्बोहाइड्रेट मिलिया त ग्लाइको प्रोटीन ठही पियो,
प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड मिलिया तो न्यूक्लियो प्रोटीन ठही पियो कार्बोहाइड्रेट है लिपिड मिलिया तो ग्लाइकोलिपिड ठया तो ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स न्यूक्लियोप्रोटीन्स लिपोप्रोटीन्स दीज आर कॉल्ड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हाँ इन में ग्लाइकोप्रोटीन के असा म्यूकॉइड्स भी चवंदा आहियूं जडे त असा ग्लाइकोलिपिड के सेरिब्रोसाइट्स भी चवंदा आहियूं हेठ थोड़ो उन जो डिस्क्रिप्शन लिखियो आहे लिपोप्रोटीन किथे हूंदा आहिनि छा कंदा आहिनि एक्चुअली लिपोप्रोटीन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन गाली बॉडी की मेम्ब्रेन जेके बे थैलिकॉइड मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होंदियूं ऑल आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन तो असां लिखा दे आर फाउंड इन मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लिया माइटोकॉन्ड्रिया दे आर आल्सो प्रेजेंट इन शीथ्स ऑफ नर्व्स क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरियल मेम्ब्रेन माना आल जेके बे बायोलॉजिकल उनजो कॉन्स्टिट्यूएंट केर हूंदा लिपोप्रोटीन हाँ जेकर लिपोप्रोटीन के असां हाइड्रोलाइज कयूं टोड़ियूं त असांखे छा मिलंदो लिपिड ऐं प्रोटीन मिलंदो अड़े तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन मिलन जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है पान में मिलन ये काथे होंगे दे आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल इन द फॉर्म ऑफ ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स प्रोटीन से गड या ओलिगोसेक्राइड मौजूद हों या पॉलीसेक्राइड हों हाँ इन वेल नोन एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन जहाँ एल्ब्यूमिन एग में मौजूद होंगी एल्ब्यूमिन खुद प्रोटीन है पर इन गोगर कार्बोहाइड्रेट भी होंगे गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन सां भी प्रोटीन से गोगो है कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होंगे न्यूक्लियो प्रोटीन दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ये स्पेशली किथे होंगे जो क्रोमोसोम पढ़ी उनमें हिस्टोन प्रोटीन होंगी उनका गुड डीएनए आरएनए होंगी ये पा में मिली कें क्रोमोसोम के या आरआरएनए प्रोटीन मिली कर राइबोसोम के दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन इन नेचर असा लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्म दी न्यूक्लियो प्रोटीन ये मोस्टली किथे होंगे न्यूक्लियस में होंगे ये स्लाइटली एसिडिक होंगे छो तो उनमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है सॉल्युबल इन वाटर होंगे ग्लाइकोलिपिड्स दे आर आल्सो कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रोजन भी इनमें मौजूद होंगी ग्लाइकोलिपिड में कुछ मिकदार में लिपिड में नाइट्रोजन भी होंगी दीज आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइसराइड्स हाँ चवन तो इन वेल नोन एग्जाम्पल कड़ा गैलेक्टोलिपिड्स सल्फोलिपिड्स जो क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद हैं दे आर आल्सो फाउंड इन ब्रेन एंड आर कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स ब्रेन में होजन के करे इनके सेरिब्रोसाइट्स भी चबो हाँ तना केर पुछे तो जी अस कैटेगरीज हैं लिपोप्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन है या इन अलावा अस मौजूद है ग्लाइकोप्रोटीन तो ग्लाइकोप्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन लिपोप्रोटीन इन टन मालिकुल में लिपिड होंद कार्बोहाइड्रेट हों न्यूक्लिक एसिड होंद जो मिलियल होंगे कि प्रोटीन से तो इनमें पार्ट प्रोटीन से मुश्तमिल नॉन प्रोटीनियस पार्ट है इन नॉन प्रोटीनियस पार्ट के असर प्रोस्टेटिक ग्रुप भी चवंदा त लिपोप्रोटीन जो प्रोस्टेटिक ग्रुप लिपिड से मुश्तमिल ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट है तो इन हिसाब से जो है ये शूं जहन नशीन कर इंशाल्लाह अस हाँ नव चैप्टर स्टार्ट कर चैप्टर नंबर 3 एंड सी यू अगेन तेसी तीन ख्याल रखा अल्लाह हाफिज़।